बामौन नगर परिषद कार्यालय में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड का प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रोस्तम सिंह मुख्य अतिथि के रूप में विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर नगर परिषद सीएमओ सीआर रामचरण यादव, उपाध्यक्ष राजवीर यादव एवं नगर परिषद अध्यक्ष गीता लक्ष्मण जाटव सहित नगर परिषद के पार्षदगण, समस्त कर्मचारीगण मौजूद थे। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित नगर परिषद सीएमओ सीआर रामचरण यादव, उपाध्यक्ष राजवीर यादव, अध्यक्ष श्रीमती गीता लक्ष्मण जाटव तथा पार्षदों एवं कर्मचारियों द्वारा मुख्य अतिथि रोस्तम सिंह जी का फूलमालाओं से स्वागत किया गया। खबर हर पल के लिए शिवशंकर सवेरे की खबर। बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता है, हमारे देशवासी हैं। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। साथियों, 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं, हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं। कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए। हर एपिसोड अपने आप में खास रहा, हर बार नए उदाहरणों की नवीनता, हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया। जब मैंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जी का मन की बात को लेकर कार्यक्रम किया गया, तो किस चीज को डाला गया आपके द्वारा? हमारे मन की बात कार्यक्रम हमारे विश्व के सबसे ताकतवर नेता, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो मन की बात कार्यक्रम किया गया जी, वो 100वां कार्यक्रम था जी, 100वें महीने वाला कार्यक्रम था। आज जो 100वां कार्यक्रम मन की बात का था, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी संगठन द्वारा एक बड़े स्तर पर किया गया। हमारे बामौर मंडल में कुल 73 बूथ थे, 73 बूथों पर मन की बात कार्यक्रम किया गया, जो कि बामौर नगर परिषद में बड़े स्तर पर नगर परिषद कार्यालय में किया गया। यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय रोस्तम सिंह जी, पूर्व मंत्री जी उपस्थित रहे। बाकी हर बूथों पर पार्टी कार्यकर्ता मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, बड़े स्तर पर किया गया। माननीय रोस्तम सिंह जी ने आगे मन की बात कार्यक्रम सुना और मन की बात को लेकर कार्यक्रम किया गया नगर परिषद में, तो क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री मन की बात का जो शासन के द्वारा डायरेक्शन आए उसके तहत हमें अपने नगर के सभी वार्डों में कार्यक्रम कराने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार रखा गया, जिसमें नगर परिषद बामौर में सबसे भव्यता से मनाने के लिए परियोजना अधिकारी और सम्मानी कलेक्टर महोदय ने निर्देशित किया था। संगठन की तरफ से जिसको मुख्य अतिथि बनाने के लिए कहा गया था, संगठन की तरफ से मंडल अध्यक्ष पंजाब सिंह कुशवा जी द्वारा माननीय पूर्व मंत्री रोस्तम सिंह दादा को नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष मुख्य अतिथि के तौर पे उनका नाम दिया गया था। माननीय दादा रोस्तम सिंह पूर्व मंत्री का हमारे समस्त पार्षदों ने और कर्मचारी बंधुओं ने, अधिकारियों ने उनका
हार्दिक स्वागत किया क्योंकि नगर पालिका में प्रथम पहली बार आए थे। उपाध्यक्ष महोदय ने भी, राजवीर सिंह यादव ने भी स्वागत किया, अध्यक्ष गीता लक्ष्मण जाटव ने, सभी लोग थे। तो मन की बात में जो प्रधानमंत्री के उद्देश्य थे वो सभी को सुनने को मिले। स्वच्छ भारत और भी कई जो विकास निर्माण कार्य चल रहे हैं उससे सभी लोग अवगत हुए और उनकी मन की बात को सुचारू रूप से सभी ने शांतिपूर्ण सुना। हमारा कार्यक्रम बहुत ही अच्छा संपन्न हुआ। सर, आज मन की बात को लेकर के कार्यक्रम किया गया है तो आप भी, आपने शिरकत की है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आज हमारे परम सफल अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त और जन जन के नेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मन की बात का कार्यक्रम का 100वां एपिसोड जी, यानी 100 इतवारों को उन्होंने मन की बात की है, 100 महीने से उन्होंने मन की बात की है और उसको बराबर किया है। और आज जो हमने देखा आज उनके इस एपिसोड में कि जो उनने कही थी जी, जो बातें उन्होंने अपने मन की बात में बताई थी जी, उसमें पूरा देश ही नहीं जुड़ा, देश की भावनाएं जुड़ी, देश के लोग जुड़े, सर्वहारा वर्ग के लोग जुड़े, महिलाएं जुड़ी, कर्मगार लोग जुड़े, साहित्यिक लोग जुड़े और स्वच्छता हर विधा हर क्षेत्र जी, नारी शक्ति कैसे अधिक से अधिक अपने शक्ति का उपयोग कर सकती है जी, जो सहायता समूह है वो, ये सब जुड़े जी, और कई लोगों ने कई काम शुरू किए, उन्होंने हरेक से बात की और बात करते हुए उनको बताया भी गया। कई लोगों ने 200 लोगों को कार्य दिया है और 400 को देंगे। उनने उनका खूब साहस बढ़ाया, उनका उत्साहवर्धन किया, उन सबको धन्यवाद दिया, यहाँ तक के पहाड़ और सैलानी और जो टूरिज्म प्लेसेज हैं जहाँ जहाँ लोग जाते हैं, पर्टिकुलर हमारा हिमालय है, वहाँ पर स्वच्छता के लिए कितने सैकड़ों लोग मन की बात के प्रभाव के बाद जुड़े हैं और किस कदर से सभी जो ऐसे स्थल हैं जहाँ जाना चाहते हैं लोग जाते हैं वो स्वच्छ रहें, स्वच्छता के प्रति प्रेरणा मिले और उसको देख के, आज के मन की बात को देख के जो भी लोग जिस टूरिस्ट प्लेस पर जाएंगे उनके दिमाग में ये बात जरूर घर कर गई होगी कि हम खुद भी स्वच्छता करने के लिए प्रयास करें।